कि समुद्री महामार्ग पर एक बहुत ही दुर्दैवी इस प्रकार की घटना हुई है। एक ट्रैवल्स की बस देर रात या सुबह उस बस एक पुलिया से टकराई और उसके बाद उसके डीजल की टंकी फूटने से उसमें आग लगी और 25 लोग वहां पर जलकर उसमें उनका मृत्यु हुआ है। बहुत ही दुर्दैवी इस प्रकार की घटना। 8 लोग निकल पाए, ड्राइवर भी निकल पाया, क्लीनर भी निकल पाए, इसलिए वो बचे हैं। लेकिन जो लोग बस से नहीं निकल पाए ऐसे लोगों का मृत्यु हुआ है। मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी वहाँ पर घटनास्थल पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जिनका मृत्यु हुआ है उनके परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। जख्मियों का उपचार जो है वो भी सरकार की ओर से किया जाएगा। एक बहुत ही भयंकर इस प्रकार की घटना है। इसकी जांच भी हम लोग कर रहे हैं, इसके कारणों की जांच भी कर रहे हैं। जो लोग जिनके मृत्यु हुई है उनके परिवार के साथ हमारी संवेदना। सर, जिस तरह से 25 लोग जल के ये हुए हैं सर, कहीं ना कहीं उनकी शिनाख्त किस तरह से की जा रही है? आपने बताया कि पूरी तरह से देखिए अभी अगर कोई मार्कर्स के द्वारा उनके घर के लोगों की शिनाख्त कर पाते हैं तो फिर थोड़ी उनको सौंपी जाएगी। लेकिन अगर ये शिनाख्त नहीं होती है तो फिर DNA टेस्टिंग जैसी भी चीजें करनी पड़ती है। सर, हमने देखा कि पहले भी इस तरह के इंसिडेंट हो चुके हैं समृद्धि महामार्ग में, तो कहीं ना कहीं सरकार को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है या फिर कुछ अलग स्मार्ट सिस्टम की आपने बात की? देखिए, समृद्धि का कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल सेफ है, उसमें कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी तक जितनी घटनाएं हुई है इस किसी भी घटना में रोड के कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम सामने नहीं आया है। कई ह्यूमन एरर आया है, कई व्हीकल एरर सामने आया है, इसलिए रोड कंस्ट्रक्शन पर इस प्रकार से बोलना तो ठीक नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि भी हम लोग वहाँ पर स्मार्ट सिस्टम लगा रहे हैं, कैमरेज के माध्यम से उसका मॉनिटरिंग भी हम लोग कर रहे हैं, और ऐसे भी सिस्टम लगा रहे हैं कि हम लोग जो भी डिजायर्ड जो स्पीड है उससे ज़्यादा स्पीड से जो लोग चल रहे हैं उनको अलर्ट दे सके, उनको हम रोक सके, उनको इंटरसेप्ट कर सके, ऐसी चीज़ें भी इस स्मार्ट सिस्टम में हम लोग लगा रहे हैं। लेकिन जब तक ये सिस्टम इन प्लेस नहीं आती तब तक हम लोगों को ह्यूमन इंटरवेंशन ही करना पड़ेगा, और हम लोग उसका जरूर विचार करेंगे। सर, पहली सवाल, आपके सवाल जैसे एसी स्लीपर बस थी और इस कारण से ये पहली बार हादसा नहीं हुआ कि एसी स्लीपर बस में आधी रात को ऐसा हादसा हो गई, तो क्या उसके चलते क्या कुछ योजनाएं बनानी जरूरी है सरकार को, आपको लगता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विशेष रूप से ड्राइवर्स को सेंसिटाइज करने की जरूरत है, और जो देर रात ऐसी बसें चलती है तो कई बार कुछ हमारे नियम है, 2 ड्राइवर रखने चाहिए, तो उस प्रकार से रखे गए हैं या नहीं रखे गए ये भी देखने की आवश्यकता है। इस बस का टाइमिंग किस प्रकार का था, इसमें 2 ड्राइवर की रिक्वायरमेंट थी या नहीं थी, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की एक सेंसिटाइजेशन ये बहुत जरूरी है, हम करेंगे। और इस कोस्टल सिटी में जब टोरेंशियल रेन्स होते हैं और उसी समय हाई टाइड आता है तो ऐसे समय पानी निकलने की जगह नहीं होती, और इसलिए पानी कई जगह रुकता है। विशेष रूप से यह पानी न रुके इस दृष्टि से पंपिंग स्टेशंस का निर्माण ये चल रहा है। दुर्देव से जिस गति से उसको करना चाहिए था PMC ने नहीं किया है। जब तक ये पंपिंग स्टेशंस नहीं होते तब तक हम नाला सफाई भी करते हैं, बाकी चीज़ें भी करते हैं, लेकिन तब तक ये पानी रुकेगा नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसको रोकना है तो आपको जितने प्रेशर से हाई टाइड आता है उससे ज़्यादा प्रेशर से पानी फेंकना पड़ेगा या उसको जमा करके फेंकना पड़ेगा। वो व्यवस्था जब तक हो रही है, लेकिन तब तक मुख्यमंत्री जी ने भी यह प्रयास किया है कि कम से कम डिजास्टर हो और जितना हम ज़्यादा पानी निकाल पाए उस प्रकार का प्रयास चल रहा है। PMC को उस प्रकार से निर्देश भी दिए।